शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, बैठिए। अर्चना जी, सोनी पे नया शो शुरू हो रहा है, इंडियाज बेस्ट डांसर, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, डांस करना बड़ी मेहनत का काम, मैं उनको आधा घंटा देखता हूँ ना, मेरा 1 किलो वजन कम हो जाता है। अब आप बताओ, आपको कितनी देर देखना चाहिए? तुझे तो रोज देखना चाहिए एटलीस्ट 8-10 घंटे, तब तू थोड़ा लाइन पर आएगा। अच्छा, आप बिल्कुल ना देखना, क्योंकि अगर डांसर लोगों ने आपको देख लिया तो वो सोचेंगे कि अगर बैठे बैठे कमाई हो सकती है तो नाचने की क्या जरूरत है। खैर, आज इंडिया बेस्ट डांसर के जजेस हमारे बीच आ रहे हैं, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं तीनों जजेस को स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम गुरु माँ के नाम से मशहूर डांसर कोरियोग्राफर गीता कपूर, वेरी ब्यूटीफुल वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा, और कंटेम्प्रेरी डांस के महागुरु कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम, अरे वाह, अरे जोरदार तालियां हमारे तीनों जजेस के लिए। थैंक यू अंकल जी, आप खड़े होके एकदम तालियां बजा रहे हैं, थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू। नहीं नहीं, उनकी पेंट टाइट होगी ऐसे करने के लिए खड़े। नहीं, सब बैठ के सिर्फ अंकल खड़े थे वहां पे, कितना दुख लगा आपने उनको अंकल बोला। अर्चना जी, हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको हमारे तीनों जजेस को देख के? ग्लैमर ग्लैमर ग्लैमर, ये इसी शो पे हो सकता है। और फुल ग्लैमर तो वहाँ पे टोटल। मलाइका जी, अर्चना जी जो हैं, ये भी आप ही की तरह स्लिम है, वो तो इन्होंने सिद्धू जी को खाया हुआ ना स्लिम दिल्ली। आई लव यू मैम। हमारे तीनों जजेस का बहुत बहुत स्वागत है, आइए विराजमान हो जाइए। मैं आप तीनों से एक बात पूछना चाहता हूँ, थोड़े दिन पहले सोनी ने बड़ी मेहनत करके सुपर डांसर ढूंढे थे, वो आपको बेस्ट नहीं लगे? क्या आपको ये लगता है कि जिस शो से आपकी कमाई हो रही वही बेस्ट है? सर, सेकंड वाला एक्यूरेट है कि जहाँ पे हम हैं वहीं से बेस्ट है, क्योंकि जहाँ वहां से थोड़ी सी मतलब कमाई होती है, थोड़ी सी जी, थोड़ी सी। सोनी चैनल वाले सुन रहे, थोड़ी सी सामने बैठे हुए हैं, हाँ, ये लंबी दाढ़ी फुल स्लीव दाढ़ी वाला आदमी। यस, लेकिन ये है कि पहले सुपर डांसर जो था सिर्फ बच्चों के लिए था जी, कुछ बच्चे बड़े हो गए हैं, आप भी आ सकते हैं, हाँ, डेफिनेटली अबव 15, अबव 15, जस्ट अराउंड 16। इसकी तो वेस्ट लाइन भी उससे तिगनी है एक्चुअली। बहुत सालों के बाद एक ऐसा शो है जो सोनी फॉर यंग पीपल और सोलो डांसर, बहुत सारे शोज हैं अभी अभी भी जो ग्रुप डांसर्स कपल्स के साथ है, लेकिन सोलो डांसिंग का शो सिर्फ यंग पीपल के लिए अभी तक आया नहीं है। वाओ, अच्छा, ये आप भी ट्राई कर सकते हैं। हां बिल्कुल, मैं तो डबल हूं, सोलो कैसे परफॉर्म करूंगा। तो बेस्ट डांसर में कौन कौन सी खूबियां ढूंढ रहे हैं फिर आप? हम तो ईएनटी स्पेशलिस्ट है, हां ईएनटी स्पेशलिस्ट मतलब जी, मैं ई एंटरटेनमेंट में ढूंढ रही हूँ। oh, wow. मैं कुछ नयापन, कुछ नया चीजें ढूंढूंगी शो पे। मैं टेक्निक ढूंढ रहा हूँ। टेरेंस, दो खूबसूरत महिलाएं आपके साथ जज हैं, कितना मौका मिलता है आपको बोलने का? आपको लोगों ने प्यार से बोल बोल के माँ बनाया, हम प्यार करके बाप बन गए। मैंने ऑफर किया था कि आप डैडी बन सकते हो, आप बन गए। अच्छा, हमने हमेशा रियलिटी शोज में देखा जो कंटेस्टेंट बहुत दूर दूर से आते हैं ना, बहुत बार गिफ्ट भी लेके आते हैं, तो ये अर्चना जी का सवाल था कि जैसे ऑडिशन राउंड में कंटेस्टेंट आपके लिए गिफ्ट लेके आए, तो जब वो किसी कारण रिजेक्ट हो गए तो वो गिफ्ट वापस ले जाते हैं? नहीं, वो हमारे पेट में ऑलरेडी हो चुका था। ये अच्छी बात है कि ज्यादातर गिफ्ट्स कुछ खाने की चीज होती है, तो हम पहले खा लेते हैं। आप तो खाती नहीं होंगी? हाँ,
India wants to know, but they already know. देश जानना चाहता है। जी आप कह रहे थे। अब आप समझ गए हैं कि इनको कितना मौका मिलता है बात करने का। करेक्ट। अच्छा आप सब जानते हैं कि गीता को लोग प्यार से गीता माँ बुलाते हैं। गीता कभी ऐसा हुआ किसी बड़ी उम्र का आदमी आपको आपको माँ बोल दिया और आपने गुस्से में बोला खुद तू बाप है मुझे माँ बोल रहा है? मैंने कभी टोका नहीं किसी को। अच्छा। मुझे हर उम्र के लोग माँ कहते हैं एंड कभी कभी वो भी कहते हैं जिनके अंदर मैं बच्चा नहीं देखती। आई हैड अ लॉट ऑफ साउथ इंडियन असिस्टेंट्स एंड एसोसिएट्स। अच्छा। तो वो बाय डिफॉल्ट एंड विद लव वो माँ कहते थे। इन्ना माँ, वेयर आर यू गोइंग। जैसे बंगाली में दा कहते हैं। हाँ, दा कहते हो रहा है, यही हो रहा है। चलिए ये तो पता चल गया कि गीता माँ कैसे बनी, आप बाप कैसे बनी थी। सॉरी, ओह मैं गलती से मुंह से निकल गया। टेरेंस, गीता मैम, आपको बहुत सारे जो कोरियोग्राफर्स हैं वो डायरेक्टर बन चुके हैं, तो ये जो जब डायरेक्टर बन जाते हैं तो इसके लिए डायरेक्शन का कोर्स करना पड़ता है या घुटनों में दर्द का वेट करते हैं कि यार अब डांस नहीं हो रहा डायरेक्टर बन जाते हैं? दुखती रख रहा है। इज इट ट्रू? आई डोंट नो बिकॉज मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं डायरेक्टर। आपका तो घुटना बाहर आ रहा है। अच्छा मलाइका, ऐसे कभी हमने किसी इंटरव्यू में देखा था कि मलाइका ना डांसर बनना चाहती थी ना एक्टर बनना चाहती थी, ये टीचर बनना चाहती थी। इज इट ट्रू मलाइका? जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं अगर आप टीचर होती तो? साइकोलॉजी। वाओ। आप ऐसे मतलब किसी से बात करती तो आप साइकोलॉजी पकड़ लेती उसकी? जी, आदमी मतलब मुझे पता चलता है कि दिमाग में क्या चल रहा है। बताओ अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? वही चल रहा है जो शादीशुदा आदमी के दिमाग में नहीं चलना चाहिए। ये बात तो है, मर्द को मर्द पहचानता है। तू साइकोलॉजी की स्पेलिंग बता। साइकोलॉजी के पी यही से आई थिंक आई एम विनर। एक अर्चना जी का सवाल और है, कहते हैं जब आप डांस करते हैं स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेचिंग करते करते कभी ऐसा हुआ आपकी पैंट फट गई हो? हाँ सर, बार बार फटती है और हम फटे हुए कपड़े ही पहनते हैं। हाँ, इसीलिए एडवांस में ऑलरेडी, आई मीन कोई शर्म नहीं है, यू नो वैसे भी हम कच्चे में नाचे हुए हैं बचपन में, तो आई डोंट हैव एनी शाइननेस। अगर पैंट फटी जिप नीचे है क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसा जैसे मैंने आपसे ये सवाल किया, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे पूछना था। यस और नो, ये लेके आए कार्ड। ओ तो ये सवाल तीनों के लिए है। कभी पेट खराब होने के बावजूद लाइव परफॉर्मेंस किया है? अच्छा हुआ है सर, बहुत इतना अच्छा हुआ है, मतलब क्रिस्प टाइट एंड देन रन फॉर लूज। पकड़ पकड़ के। ना ना मेरे से नहीं होता सर। नहीं नहीं, आई हैव बचपन में कभी मम्मी के कहने पे घर आए रिश्तेदारों को नाच के एंटरटेन किया आपने? जैसे मम्मी बोल देती। आई वाज मेरे घर में मैं नचनिया था। मेरे पिताजी बड़े प्राउड बोलते थे, अच्छा अच्छा नाच के दिखा, अभी गा के दिखा, थोड़ा एक्टिंग करके दिखा, सब एक्चुअली होता है। सोचो मुझे तो किसी को कहना भी नहीं था, मैं मतलब लोग अंदर आते ही मैं स्टार्ट करती थी। दैट्स सो क्यूट। सोचो आप तो फिर भी अच्छे डांसर हो, मैंने किया हुआ है। हमारे हां कभी यलगार फिल्म आई थी? नहीं नहीं, हो जाता है कि तो मैं मेरे पापा के दोस्त आते थे तो फर्स्ट सेकंड को दो दिन हमारे घर में महफिल लगती थी, सैलरी मिलती थी तो मैं नाचता था, पांच पांच दस रुपए, 40-45 रुपए इकट्ठे हो जाते। अच्छा, मैं 45 से ज्यादा दूंगी तो अभी करके दिखाना एक स्टेप वाला। अब नहीं, अब मैं वैसे 45 से ज्यादा कमा लेता। ओके, कभी थ्री स्टोरी बर्गर खाया मुंह खोल के? आपने तो पक्का नहीं खाया होगा, इतना खुला ही नहीं होगा मुंह। आपने खाया गीता जी? It was expected. Sir, it is showing also now. तब नहीं खाया होता तो ये असर ना होता। सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी शॉपकीपर के साथ कभी बार्गेनिंग की आपने? Of course. All the time. Yeah. देखो
सेलिब्रिटी के पहले मैं मम्मी हूँ, डोंट फॉरगेट, वो तो करना ही पड़ता है राइट। मतलब मार्केट में जाते ही मेरा स्टार्ट होता है, नहीं नहीं भाई साहब थोड़ा 5 रुपए कम करो, 10 रुपए कम करो, अरे बहुत ज्यादा बोल रहे हो, दैट्स नॉट नहीं नहीं एक्चुअली जो भाजी वाले होते हैं या रिक्शा वाले उनके साथ मैं नहीं करता, लेकिन अगर बहुत बड़ी महंगी शॉप हो वहाँ पे, बट उनके लिए मैं बोलता हूँ। क्या समझे कि आप भाजी भी खरीदने जाते हो, रिक्शा पे भी जाते हो? जाते हो अभी भी? ऑफ कोर्स बार्गेनिंग करके जो 2 रुपए बचा के जो मजा आता है, बात ही कुछ और। एक बार हम लोग बैंकॉक शूटिंग कर रहे थे तो हमारे साथ एक और एक्टर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो इतनी बार्गेनिंग करते थे कि हम वो एक मार्केट है, मैं नाम भूल गया उसका, उसको देख के ही ना वो जो थाईलैंड वो आदमी था वो कहता है द सेम क्रेजी गाइस कमिंग, कहता है तो मैं तो उसके साथ जाना ही बंद कर दिया मैंने। उसने कहा नो कांगे सॉरी ना सॉरी ना। यू सीम टू हैव गॉन टू बैंकॉक अ लॉट अ लॉट क्लियरली। अच्छा कभी रेस्टोरेंट में आप खाने गए हो और बगल वाले टेबल पे उनकी प्लेट देख के आपने अपना ऑर्डर बदला है? ना ना हाँ एक्चुअली मेरे सारे ऑर्डर्स मैं बगल वाले प्लेट में देखकर मैं करती हूँ। एक्चुअली कभी आइडिया लगता है क्या ऑर्डर करें? क्या ऑर्डर करें तो मैं देख के बताती हूँ, हाँ वो अच्छा लग रहा है, वो बेटर लग रहा है। जो जब भी मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ ना कुछ प्रॉब्लम होता है उसमें, सो बेटर टू लुक ना, तो पता चलता है कि क्या ऑर्डर करना। पर लड़कियों को ना बड़ा पता होता है, सब डिशेज के नाम याद रहते हैं कि भैया वो एजरीला मोरोटोस विद द स्वीडिश सॉस क्या क्या बोल देती है, हमें नहीं समझ, वही तो हमें पता ही नहीं है तो बोले क्या। हम लोगों को होता है यार जो पीला वाला होता है ना वो जो ऐसे प्याज डाल के, हमें नाम नहीं याद रहते, होता है ऐसा। इसी के साथ हमारे सवाल खत्म होते हैं, धन्यवाद। That's it? हो गया?